हेलो, फिर से आपका स्वागत है मेरा चैनल में। तो आज हम बना रहा है बहुत ही सिंपल सब्जी जो मैं अपना घर पे बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बना रहा हूँ मैं और क्या क्या चीज़ आज मैं बना रहा हूँ। आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट। मच्छी अपना घर का ही है, और ये है एलिफेंट एप्पल जो मैंने साफ करके साफ करके रख लिया मैंने इसको। इसको हम बॉईल करके बनाएगा मच्छी का साथ। तो इसका साथ जो डालेगा वो है, ये है मिर्ची, यानी कि बहुत ही छोटा मिर्चा है ये। मिर्चा जो है मेरा अपना घर का ही है भी, इसको हम लोग अपना निशी से पताई अम्दे बोलता है। और ये है अदरक लहसुन, और इसमें डालेगा ये धनिया, ये जो काटा धनिया है गार्निशिंग के लिए यूज़ करेगा हम इसको, ये धनिया को। और उसके साथ जो मेन स्पाइसेस जो हम लोग का मसाला है इस बॉयल सब्जी में, वो ये है होनियर। इसको हम लोग अपने निशी से होनियर बोलता है, और मुझे इसका दूसरा नाम पता नहीं। ये जो इसका पीछे में काटा काटा होता है ये जो, तो इसको हम इसको भी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेगा। ये है स्पाइसेस ही, ये मसाला ही है ये हमारे यहाँ पे। तो मैं आपको इसको गार्निशिंग करके दिखाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये है लाई पत्ता सब्जी, लाई पत्ता। तो इसको मैं बॉईल करूंगी, इसको सिंपल सा एक बॉईल बनाऊंगी ये सब्जी को। और इसका साथ है आज मेरा साथ, आज हम बनाएगा फिशमेंट की चटनी। जो ये है फिशमेंट सैलेड बनाएगा। फिशमेंट ये पत्ता है, ये वाला पत्ता फिशमेंट, और टमाटर दो, और इसमें कुछ नहीं डालना, टमाटर और ये फिशमेंट। उसके बाद डालेगा मिर्ची, बस और कुछ नहीं चाहिए। सब्जी को कैसे बनाएगा बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आप मेरे स्टेप से फॉलो करके आप भी अपना घर पे बना के खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए मैं कैसे इस सब्जी को बना रही हूँ। तो पानी को उबालने के लिए रख दिया मैंने, इसमें बनेगा मेरा मच्छी और एलिफेंट एप्पल। एलिफेंट एप्पल डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा देर की, ये जो इसका खट्टा है ना, थोड़ा पानी में निकलने दो, थोड़ा सा इसको जूस को पानी का साथ में वो निकलने दो, इसका थोड़ा खट्टापन को थोड़ा पकने दो। उसके बाद ही मैं मच्छी को डालूँगी, तो इसको थोड़ा पकने दो। इसमें खट्टा जो निकल गया है इसका, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया है उसको डाल लेगा, उसके बाद मच्छी को डाल लेंगे। अब ये अदरक लहसुन पेस्ट चला गया, उसके बाद मच्छी को डाल देते हैं, ये वाला मच्छी। बहुत ही सिंपल है बनाना। अब ये गया, और कुछ नहीं डालना मुझे, बस गार्निशिंग के लिए हल्का सा बाद में डालेंगे। तो मैंने मच्छी को डाल दिया है इसमें एलिफेंट एप्पल के साथ, और अभी थोड़ा ढक्कन बंद कर देता हूँ, इसको पक लेने दो, उसके बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगा नमक, आपका टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक को। नमक डाल दिया मैंने, और ये अपना घर पे ही बना रहे हम, तो इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी हल्का सा डाल लेते हैं, हल्का सा कलर के लिए हल्दी डाल लेते। वैसे तो
हम लोग का यहाँ पे बॉयल में हल्दी नहीं डालता है कलर के लिए, पर मुझे कलर पसंद है तो हल्दी डाल देती हूँ। मच्छी मेरा पक रहा है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा है। ये है होनियर पत्ता, इसको हम डाल देगा। मच्छी तो पक गया है तो इसको अभी डाल देता हूँ, होनियर का पत्ता को, होनियर को पत्ता को डाल देता हूँ इसमें। और इसको पकने के लिए टाइम नहीं लगेगा, तो इसका साथ साथ मैं ये काटा वाला धनिया को भी डाल देता हूँ साथ में। और इसको थोड़ा सा ढक्कन बंद कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए, उसके बाद रेडी हो जाएगी। तो चलो फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। वाह कितना अच्छा स्मेल आ रही है। ये अब रेडी हो गया है मेरा, ये रेडी हो गया है मेरा। मच्छी को ज़्यादा पकाना नहीं है मुझे, ज़्यादा मच्छी पकाने मतलब ज़्यादा ही पकना पकने वाला मच्छी मुझे पसंद नहीं, तो मच्छी को पकने में टाइम वैसे नहीं लगता है। तो एक बार नमक को टेस्ट कर लेते हैं इसको। बहुत ही अच्छा स्मेल भी आ रहा है और नमक भी परफेक्ट है। और ये मेरा मच्छी का जो एलिफेंट एप्पल, इसके साथ में कोरिएंडर वो काटा वाला धनिया, उसके बाद होनियर डाला है, अपना निशी में होनियर होता है। तो ये रेडी है मेरा सब्जी, तो मेरा ये सब्जी रेडी हो गया है। भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं डालना, बस नमक अदरक लहसुन पेस्ट और एक एक छोटा सा टमाटो डालेगा, बस हो जाएगा। तो ये पानी उबल रहा है तो इसमें मैं डाल रहा हूँ एक टमेटो, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। ये गया नमक, इसमें डाल देगा नमक। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देता हूँ उसमें। और एक छोटा सा स्लाइस मतलब टमेटो डाल लेता हूँ इसमें। बहुत ही सिंपल है ये भी, जैसे हम अपना घर पे कैसे खाते हैं वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने टमाटर को डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा देर के लिए ढक्कन बंद कर देता हूँ उनको इसे। अब ये देखो उबल गया है, ये पूरा रेडी हो गया है। इसमें डाल देगा हम, इसमें डाल देगा अभी ये जो लाई पत्ता है, ये सबको डाल देता हूँ। तो इस तरह से तोड़ लेता हूँ इस तरह से, इसको ऐसे करके डाल देता हूँ। ये भी गया। तो इसमें अब मैं ये वाला जो होनियर है मेरा, इसको भी डाल देगा इसका साथ मिक्स करने। जब भी ग्रीन पत्ता सब्जी बनाएगा उसमें मिक्स करने से बहुत ही खाने के लिए अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा जो काटा वाला धनिया है, उसको भी तोड़ के डाल देता हूँ इसे, इसके बाद ढक्कन बंद कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं मेरे सब्जी को, लाई पत्ता को, कैसे हो गया ये। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से। और सिंपल तरीका है इसको चेक करने के लिए, इसका जो इस हिस्सा को ऐसे तोड़ के देखिए, ये ऑलमोस्ट पक गया, ये पक गया ये। या फिर इसको फिर से आप चेक कर लीजिए इस तरह से, गरम स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये है मेरा फिश मिंट का पत्ता, और ये है टमेटो, और ये है मिर्चा, और हम भूल गया आप लोगों को बताने के लिए कि एक अनियन भी चाहिए मुझे इसमें।
तो उसके बाद ये रहा काटा धनिया जो कि मैंने इसको रेडी करके रखा हुआ है। तो चलो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। ये भी बहुत ही सिंपल है आपको बनाने के लिए, इसमें भी कुछ नहीं डालना है, बस इसको ऐसे सैलेड जो है आपको कैसे खाना है आपको पता है, कच्चा ही सब सैलेड को खाना है, तो इसलिए ये अब इसको मैं चॉपिंग कर लेके आपको दिखाऊंगी। इसको भी रफली चॉप कर दिया हमें। अब ये गया बाउल में, अब इसमें डालना है, इसमें अब जाएगा नमक, आपका टेस्ट का हिसाब से आप डाल लीजिए नमक को। ये हो गया है नमक, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये सैलेड मेरा रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये सैलेड रेडी हो गया है मेरा। तो मेरा बनाना रेडी, बनाने के लिए जो बनाया था वो रेडी हो गया है, बन चुका है। तो अभी मैं प्लेटिंग करूँगी, तो प्लेटिंग करने के लिए आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे प्लेटिंग कर रहा हूँ। मेरा खाना जो है रेडी हो गया है। रेडी तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, और थैंक यू आप लोग मेरा वीडियो को देखने के लिए।